Dear students, we are going to start with chapter determinants. On prime, we are starting on page number 288. Just like matrices, determinant is also of 2 by 2 and 3 by 3. Means 2 rows, 2 columns, 3 rows, 3 columns. Determinant can be evaluated, but matrices cannot be evaluated. There is an example, 2, 4, minus 1, 2. Determinant को हम delta के साथ denote करते हैं और हम इसको evaluate कर सकते हैं. Evaluate करने का वही method है जैसे आपने 10th class में किया था, cross multiplication method. First of all, we multiply 2 by 2, that means 4. फिर इसको इधर multiply करेंगे, बीच में कौन सा sign डालना है? Minus का sign डालना है, so 4 plus 4, that is 8. This one is the method for 2 by 2 determinant. Now we are explaining 3 by 3 determinant. Minus 1, 3, 2, 0, 1, 4, 1, 2, minus 1. This one is 3 by 3 determinant. First of all, delta ke saath isko hum denote karenge. Ab isko open kaise karna hai? We expand it by using the first row, that means this one. This one is R1, this one is R2, this one is R3. This one is first column, this one is second column, and this one is third column. Now we are going to start by using first row. First row mein kya hai? First element kya diya hua hai? Minus 1. Yahan pe likhenge minus 1. Is wali row ko aur is wale column ko humne chhod dena hai. Baki the rest of elements are 1, 4, 2, minus 1. माइनस वन के बाद किसकी टर्न आएगी? थ्री की. थ्री जो दिया हुआ है ये प्लस का दिया है, इसका हमने साइन चेंज कर देना है. ये वाले का इसका कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस थ्री. अगर ये माइनस दिया होता तो इसको प्लस थ्री लिख देना है, अगर प्लस दिया हो तो इसको माइनस. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा इसको क्यों ये लिखते हैं. ये माइनस लिखने का इसका रीजन क्या है इसको मैंने बाद में एक्सप्लेन करना है. माइनस थ्री लिखने के बाद अब इस रो वाली जो इस एलिमेंट की रो है उसको हम छोड़ देंगे, जो इस एलिमेंट के नीचे कॉलम दिया है उसको छोड़ देंगे. तो बाकी के एलिमेंट्स क्या रह गए? 0, 4, 1 एंड माइनस 1. इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट इज 2. ये वही साइन लेना है जो दिया हुआ है, सिर्फ कौन से साइन को हमने चेंज करना है? जो बीच वाला एलिमेंट है उसका साइन चेंज करना है. अगर हम फर्स्ट रो के साथ इसको ओपन कर रहे हैं, एवेल्युएट कर रहे हैं, तो इसका हमने बीच वाले एलिमेंट का ही साइन चेंज करना है. पहले वाले का एज इट इज रखना है और लास्ट वाले का भी एज इट इज ही रखना है हमें. टू के साथ अब हम इसको ओपन करेंगे तो इसमें ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा? 0, 1, 1 एंड 2. माइनस 1 के साथ अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, ये करो माइनस 1. सेम इज द मेथड जैसे हमने ऊपर किया 2 बाय 2 वाला. माइनस 8, 0, माइनस 4, 0, माइनस वन, माइनस वन, माइनस नाइन, माइनस फोर, टू, माइनस वन, नाइन प्लस ट्वेल्व, माइनस टू, ट्वेंटी वन माइनस टू, ये आ गया 19. एक और मैं इसके साथ एक और एग्जांपल को, सिमिलर एग्जांपल को एक डिस्कस करने जा रहा हूं. डेल्टा इज इक्वल टू 3, माइनस 1, 4, 0, माइनस 1, 2, 2, 1 एंड 0. पहले 3 के साथ ओपन करेंगे, फिर किसके साथ ओपन करोगे? माइनस 1 के साथ, बट इसका साइन चेंज कर देना है, इस वाले का साइन चेंज कर देना है.
और फिर किसके साथ ओपन करना है आपने, फोर के साथ। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ोगे तो क्या रह जाएगा, माइनस वन टू वन एंड जीरो। फिर इसके साथ ओपन करोगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम जाएगा तो क्या रह जाएगा, जीरो टू टू जीरो। फिर इसके साथ ओपन करोगे तो क्या रह जाएगा, जीरो माइनस वन टू एंड वन। अब इसको माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू, इसको करोगे तो जीरो, इसको करोगे तो माइनस फोर, इसको करोगे तो वन जीरो, और इसको करोगे तो क्या आएगा, प्लस टू। माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस नाइन, माइनस फोर, प्लस एट, माइनस थर्टीन, प्लस एट, दैट इज माइनस फाइव। सो ये थ्री बाय थ्री वाला डिटर्मिनेंट हम इसको ओपन करने का ये मेथड मैंने बताया है। अब जैसे ये टू बाय टू वाला मेथड है, फिर दोबारा से एक बार देख लो, टू बाय टू वाला, कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 75 डिग्री। इसको हमने कैसे ओपन करना है, टू बाय टू वाला तो बहुत ही सिंपल है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस 15, कॉस 75, इसको इधर, माइनस साइन 75 एंड साइन 15। ये फॉर्मूला बन गया जो प्लस वन में किया था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका ये फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो क्या आ गया ये, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ये टू बाय टू वाला डिटरमिनेंट ओपन हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है, पेज नंबर 288 प्राइम पे दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 2x 3 5x इज इक्वल टू 16 3 5 एंड 2। अगर ये मैट्रिक्स होती, अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हो तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में डायरेक्टली इक्वल कर देते हैं, बट हेयर इज द केस ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में हम इसको सीधा इक्वल नहीं करेंगे, पहले इसको एवेल्युएट करेंगे। इसको एवेल्युएट करो आप कैसे करोगे, 2x into x, इसको इधर 5 into 3, ऐसे ही इसको भी 16 into 2, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 5 into 3, 2x into x किया तो क्या आ जाएगा, 2x square minus 15, इसको किया तो क्या आ जाएगा, 32 minus 15, 2x square minus 15, 32 में से 15 को माइनस करोगे तो 17 रह जाएगा, 2x square is equal to 17 plus 15, 32, 2 के साथ कटिंग हो गई, x square equal to 16, x equal to plus minus 4, ये x की वैल्यूज निकलाई आपके पास। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है जो पेज नंबर 289 के ऊपर है, इसको कैसे करना है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ये दी है मैट्रिक्स कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स दी हुई है। उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए पावर एन, हाउ यू कैन सॉल्व इट। अगर ए दिया है ये वाला तो ए की पावर एन का मीनिंग क्या है, पहले ए की पावर एन का मीनिंग निकालो, क्या निकलेगा, जहां जहां थीटा चल रहा है वहां पे एन आ जाएगा, एन थीटा आ जाएगा, साइन एन थीटा आ जाएगा, माइनस साइन एन थीटा आ जाएगा और कॉज एन थीटा आ जाएगा। अब ये बार डीईटी का मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ये जो लिखा है डीईटी इसका मीनिंग है डिटर्मिनेंट, इसका मीनिंग है कि ये मैट्रिक्स को आपने किसमें चेंज कर देना है, डिटर्मिनेंट में चेंज कर देना है, माइनस साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट को, इधर इसको सॉल्व करने के लिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एन थीटा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एन थीटा। ये माइनस का आना था, बीच में एक माइनस अपनी तरफ से भी डालना होता है तो इसलिए ये प्लस का हो जाएगा,
और cos square theta plus sin square theta is always 1. So this one is exercise 4A. If you are seeing there के 289 पेज के ऊपर, पेज नंबर 289 जो है उसके ऊपर एक्सरसाइज 4A दी हुई है. पेज नंबर 289 के ऊपर एक्सरसाइज 4A प्राइम की आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो. एक इसके बाद में आप एक्सरसाइज 4B के ऊपर जब आओगे तो उसमें प्राइम में 3x3 डिटर्मिनेंट्स नजर आएंगे आपको. 3x3 डिटर्मिनेंट्स, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ. एग्जांपल नंबर सेकंड है जो पेज नंबर 294 के ऊपर दी हुई है. प्रूव दैट एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स वन कॉस थीटा वन एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. अब आप 3x3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो. मैंने अभी इसका पहले भी मेथड आपको बताया कि कैसे करना है. पहले इसको क्या लिखना है, यहाँ पे x लिख देना है, ये वाली रो ये वाला कॉलम छोड़ के बाकी क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वन वन एंड एक्स आ जाएगा. इसके बाद साइन थीटा का यूज करना है, इसका साइन चेंज कर देना है. बीच वाला जो एलिमेंट सेकेंड वाला एलिमेंट है इसका साइन चेंज कर देना है. माइनस साइन थीटा इसके साथ ओपन करो, ये वाली रो जाएगी ये वाला कॉलम जाएगा, तो क्या रह जाएगा बाकी, माइनस साइन थीटा वन कॉस थीटा एंड एक्स. इसके बाद कॉस थीटा के साथ ओपन करना है, इसमें कौन सा, ये वाली रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, ये रह जाएगा बाकी, माइनस साइन थीटा माइनस एक्स कॉस थीटा एंड वन. अब इसको सॉल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा. ये बीच वाले साइन जो होते हैं क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी 2x2 डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं तो बीच वाले में हम माइनस का साइन यूज करते हैं, इसलिए इसका सेंटर वाला साइन चेंज हो जाता है. अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो सभी कटिंग हो जाएगी. कटिंग होने के बाद ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि इसमें सारी इक्वेशन को सॉल्व करके जब आप देखोगे तो लास्ट पे आंसर आपका माइनस एक्स क्यूब आएगा. तो क्या प्रूव क्या करना था, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. मींस क्या होता है इसका मीनिंग इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का, कि आंसर में थीटा नजर नहीं आना चाहिए. तो ये जो आंसर आया बिना थीटा के आया है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि दिस आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. ये सेकेंड एग्जाम्पल हो गई आपकी. अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड पे आओ. एग्जाम्पल नंबर थर्ड इज ऑन पेज नंबर 294 प्राइम. वन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा एंड वन, ये है. इसको अवेल्युएट बोला हुआ करने के लिए और साथ में बोला है प्रूव दैट टू लेस देन इक्वल टू डेल्टा लेस देन इक्वल टू फोर. ये वाला पार्ट जो इसका मेन है ये मैं आपको बताता हूँ. ऊपर अवेल्युएट जो करना है वो पहले वाला मेथड ही है जो अभी मैंने 3x3 डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए आपको बताया. अभी तक मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना सिर्फ फर्स्ट रो के साथ वैल्यूएट कर रहा हूँ. आप किसी भी रो के साथ वैल्यूएट कर सकते हो, उसके लिए भी मैं अभी आपको एक टिप दूंगा. इसको ओपन करने के लिए 3x3 डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए वही मेथड जो भी मैंने बताया, पहले 1 के साथ फिर किसके साथ ओपन करना है बेटा, माइनस साइन थीटा के साथ ओपन करना है, फिर किसके साथ ओपन करना है, 1 के साथ ओपन करना है, जैसे 3x3 पीछे भी अभी हमने किया है. इसको जब आप सॉल्व करोगे ना पूरे को, खुद करना है सॉल्व इसको, आपका ये आंसर आ जाएगा. ये आ गया पहले एवेल्युएट, जो फर्स्ट पार्ट था इसका एवेल्युएट वाला वो हो गया. अब मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसे प्रूव करना है. ये क्वेश्चन MCQ में भी आ चुका है एक बार. इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करना है आपने, अब कैसे इसको बनाना कैसे है. अब ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि साइन थीटा जो होता है इसकी रेंज क्या है. साइन थीटा की रेंज होती है माइनस वन से लेके, ये लिखोगे आप, वी नो दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन. हमने साइन थीटा ही क्यों यूज किया, क्योंकि जो मेरा ऊपर आंसर आया उसमें क्या चल रहा है, साइन थीटा, इसलिए मैंने माइनस वन से वन के बीच में इसको लिया. जब मैं साइन स्केयर थीटा लिखूंगा स्केयर करूंगा,
तो ये जो रेंज है इसकी चेंज हो जाएगी, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक चली जाएगी, जीरो से लेके वन तक। अगर अकेला साइन थीटा है तो उसकी रेंज होती है माइनस वन से वन, अगर स्केयर वाला है साइन स्केयर थीटा तो उसकी रेंज क्या होती है, जीरो से लेके वन। अब आप डेल्टा को साथ साथ चेक करते जाना कि ऊपर हमारे को क्या दिया हुआ था, हमने क्या बनाना है। ये साइन स्केयर थीटा मेरे को चाहिए था, आ गया। अब आप देखो कि डेल्टा के बीच में साइन स्केयर थीटा जो चल रहा है, साइन स्केयर थीटा में क्या ऐड हुआ हुआ है, वन। मैं एडिंग वन कर दूंगा, एडिंग वन टू ऑल। जब मैं सारे में वन ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, वन प्लस जीरो, वन प्लस साइन स्केयर थीटा, वन प्लस वन। सो ये तो वन ही रहेगा, ये वन प्लस साइन स्केयर थीटा आ गया, ये टू आ गया। अब आप देख सकते हो कि डेल्टा जो बनाया है अभी भी उसमें एक चीज कम है, क्या है कम, के साथ में इसमें क्या मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, टू। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय टू के साथ, जब मैं टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा टू इंटू वन हो जाएगा, टू इंटू वन प्लस साइन स्केयर थीटा हो जाएगा और टू इंटू टू हो जाएगा, टू इंटू वन तो टू ही हो गया। ये वाली मेन चीज मैंने बनानी थी, ये देखो आप ऊपर डेल्टा में दी हुई है ये चीज़, ये सेम की सेम चीज़ देखो बन गई नीचे, ये देखो बन रही है, ये पूरी की पूरी चीज़ यहाँ पे आ गई। हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल थी, डेल्टा के। इसका मतलब है ये डेल्टा के इक्वल बन गई हमारी चीज़, ये वाली देखो, ये पूरी की पूरी चीज़ डेल्टा के इक्वल आ गई। और इधर क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू टू इंटू टू क्या आ गया, फोर। सो डेल्टा किसके बीच में लाई कर गया, टू से लेके फोर के बीच, हेंस प्रूफ ये हो गया। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर फोर्थ पे आओ, एक्सरसाइज फोर बी की एग्जाम्पल नंबर फोर्थ है जो मैं करने जा रहा हूँ अब। काफ़ी ईजी अप्रोच है ये भी, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ ऑन पेज नंबर 294। 311, 131 एंड 113 ये दिया हुआ है पेज नंबर 294 के ऊपर। अब शो दैट 3A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए, ये प्रूव करना है। काफ़ी सिंपल है ये तो, लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है 3A, 3A का मतलब क्या है कि इस सारी मैट्रिक्स को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 के साथ। 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 9, 3, 3, 3, 9, 3, 3, 3, 9, ये 3A आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A बोला है, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करना है। डिटर्मिनेंट बेटा अभी मैंने बताया कैसे ओपन करना है, 3/3 का पहले किसके साथ ओपन करोगे, 9 के साथ, फिर किसके साथ ओपन करोगे, -3 के साथ, इस वाले का साइन चेंज किया, फिर 3 के साथ। जब इसको आप अवेल्युएट कर लोगे तो इसका आंसर जो आएगा 3A डिटर्मिनेंट का आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड क्या लेना है, 27 डिटर्मिनेंट ए, 27 साथ में ए जो दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 311, 131 एंड 113। इसको हमने सॉल्व उसी मेथड से करना है जैसे हम पहले कर रहे थे, पहले 3 के साथ ओपन करोगे, फिर -1 के साथ ओपन करोगे, क्यों -1 के साथ, बीच वाले जो सेकंड एलिमेंट है उसका साइन हमने चेंज कर देना है, फिर इसके साथ ओपन करोगे। अब इसको भी आप सॉल्व करके यहाँ पे लिख लो और 27 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसका आंसर जो निकलेगा और इसका आंसर जो निकलेगा दोनों सेम आएंगे, यू कैन चेक, खुद चेक कर सकते हो आप, ओके। अच्छा अभी तक मैंने ये बताया कि आप सिर्फ फर्स्ट रो के साथ ओपन करना बताया, किसी भी डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट रो के साथ ही नहीं, किसी भी रो के साथ, किसी भी कॉलम के साथ ओपन कर सकते हैं। जब मैंने एवेल्युएट करना है बाय यूजिंग सेकंड रो तो इसका क्या प्रोसीजर है, ये मैट्रिक्स मैंने लिख ली -1, 3, 4, 1, 1, -2, 2, 1, 0। मैं अब सेकंड रो के साथ एवेल्युएट करना चाहता हूँ डिटर्मिनेंट इसका, पहला एलिमेंट क्या है, 1। जब आपने सेकंड रो के साथ एवेल्युएट करना है तो इसका ये एक ना साइड पे आप बना ही दो, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली, इस रूल को अप्लाई करते हुए सेकंड रो में क्या दिए हुए हैं, माइनस प्लस माइनस। सो माइनस का मतलब क्या है कि पहले का साइन आपने चेंज करना है, पहला वन नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो।
अब इसके साथ जब आपने ओपन करना है तो क्या आएगा, -1 -1 के साथ जब ओपन करोगे तो ये वाली रो सेकंड वाली और फर्स्ट वाला कॉलम आपने छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स क्या रह जाते हैं, 3 4 1 एंड 0। 1 के बाद किस अगले 1 की बारी आएगी, इस 1 की बारी के साथ क्या है, इसकी टर्न में क्या है, ये देखो यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है ना, ये इसलिए ये साइन चेंज नहीं होगा भाई, ये प्लस का ही रहेगा। इस वाली रो को छोड़ दो, इस वाले कॉलम को छोड़ दो, बाकी एलिमेंट्स क्या रह गए, -2 4 2 एंड 0। अब नेक्स्ट ये देखो माइनस है ना, तो इस -2 को हमने चेंज करके +2 लिख देना है। इसके साथ जो ये साइन यूज करने हैं ना, इसके कारण इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो -2 के साथ ओपन करो, पर -2 आया नहीं, क्यों नहीं आया -2, यहाँ पे +2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कौन सा साइन यूज करना है मैंने, माइनस का। जब फर्स्ट रो को करना हो तो सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज होता है, जब सेकंड रो को चेंज करना है उसके साथ करना है तो फिर इसमें कौन से साइन यूज होंगे, -++। जब थर्ड रो के साथ वैल्यूएट करना है तो उसमें कौन से होंगे, पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का और फिर प्लस का। अब 2 के साथ ओपन करो, ये वाले के साथ ये रो जाएगी, ये कॉलम जाएगा, -2 3 2 एंड 1, 0 -4 0 -8 -2 -6 4 -8 -16 4 -24, दैट इज -20। मैंने सेकेंड रो के साथ एवेल्युएट किया है, एवेल्युएट किसके साथ किया है, बाय यूजिंग सेकेंड रो। अगर मैं फर्स्ट रो के साथ भी इवेल्यूएट करता जैसे मैंने पहले बताया था तो उसका आंसर भी -20 निकलेगा, थर्ड रो के साथ करोगे तो उसका आंसर भी -20 निकलेगा, अगर आप किसी कॉलम के साथ इवेल्यूएट करोगे तो उसका आंसर भी -20 निकलेगा। आप इसकी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, फर्स्ट रो के साथ भी आप ओपन करके देखो, इवेल्यूएट करो, खुद करो इवेल्यूएट बाय यूजिंग फर्स्ट रो, फिर थर्ड रो के साथ इवेल्यूएट करके देखो, इससे आपको पता चल जाएगा कि सभी के साथ आंसर क्या निकलेंगे, इसके सेम निकलेंगे। अब एक एग्जांपल है फिफ्थ, जो पेज नंबर 295 प्राइम पे दी हुई है, दिस वन इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ फोर्थ बी एक्सरसाइज। इसमें ये साइन यूज किया हुआ है, इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करना होता है, आप स्टेटमेंट पहले पढ़ोगे तो उसमें आपको नजर आएगा ये दिया हुआ है, -1 < x < 0, साथ में बुक खोल लो, बुक में से आप देखते जाओ, मैं जो बता रहा हूँ उसमें सारा दिया हुआ है, बुक में से आपको जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि बुक अगर नहीं साथ में रखोगे तो आपको स्टेटमेंट का पता नहीं चल पाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स की वैल्यू में दो वैल्यू में दी हुई है, एक्स एक्स किसका दिया हुआ है, रेंज इसकी दी है -1 से लेके कहाँ तक दी है, 0। आपने जब भी इसके ऊपर ये वाला साइन डालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन डालना है, तो इसमें लीस्ट वैल्यू को आपने लेना है, इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी है, -1। जब वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है तो आप बता सकते हो 0 एंड 1 में से कौन सी है लीस्ट वैल्यू, कौन सी दी हुई है, 0। जब जेड में लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी दी हुई है, 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि यू विल चूज लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द टू गिवन वैल्यूज। अब स्टेटमेंट क्या दी हुई है, डेल्टा दिया हुआ है ये वाला, ये दिया है आपके पास, ये मैं बुक में से स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पेज नंबर 295 के ऊपर दी हुई है, प्लीज ओपन द बुक्स एंड सी, इसको वैल्यूएट करना है बोला उसने। इसको वैल्यूएट आप कैसे कर सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, -1 आ चुकी है, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, -1 + 1, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा 0, यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा 1, इधर पुट करूंगा -1, फिर इसकी जगह पे 0 + 1, फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, तो क्या बन गया डिटर्मिनेंट, क्या बन गया, -2 0 1 -1
वन एंड वन, माइनस वन, जीरो एंड टू। अब ये डिटर्मिनेंट को आप इवेल्युएट बड़ी इजीली कर सकते हो, ये थ्री बाय थ्री वाला डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने अभी इवेल्युएट करना ऊपर बताया है कि आप किसी भी रो के साथ इसको इवेल्युएट कर सकते हो। मीन्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसके लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो दो वैल्यूज की रेंज दी हुई है उसमें से हमने लीस्ट वैल्यू को लेना है, जो लीस्ट वैल्यू आ गई उसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है, पुट करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको हमने ओपन कर देना है। अब आप इसके साथ एक्सरसाइज 4B जो 295 पेज के ऊपर है वो आप सॉल्व कर सकते हो। 4A एक्सरसाइज एंड 4B एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है आज। सॉल्व करने के बाद ये सारी एग्जांपल्स करनी है 4A की और 4B की। उसके बाद आपने सम्स करने हैं और वो सम्स करके आपने ग्रुप में सेंड भी करने हैं मेरे को कि हमने ये वाले सम्स कर लिए। इस वीडियो के साथ 4A और 4B कंप्लीट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरे को इसके रिलेटेड जो सम्स हैं वो करके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको उसमें शेयर कर सकते हो, मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। फिर भी किसी ने मेरे को टेलीफोनिकली बात करनी है तो वो भी कर सकता है कि सर इस चीज़ का क्या मीनिंग है मेरे को नहीं पता चला, वो भी मैं बता दूंगा आपको। सो थैंक्स। 4A एंड 4B एक्सरसाइज आप सारे बच्चे करो, उसकी कॉपी बनाओ, उसके सम्स करके मेरे को आप उसको व्हाट्सएप पे सेंड करो, अपने ग्रुप में डालो कि हमने कर लिए सम। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।